Reach for the top with Ignited Minds Tutorials, latest video on English literature for Class 9 CBSE students. In this knowledge explanation article, we explore the chapter in depth, providing a comprehensive understanding of the key concepts and themes. Our expert tutors use engaging visuals and real-world examples to help students grasp complex ideas with ease. We believe that every student has the potential to excel, and our goal with this video is to inspire and motivate young minds to reach for the top in their academic pursuits. This video is part of our commitment to providing high-quality educational resources that are accessible to all. With Ignited Minds tutorials, students can now learn at their own pace and convenience, with the help of expert tutors who are passionate about empowering young minds. So if you're a Class 9 CBSE student looking to improve your understanding of English literature, don't hesitate to watch our latest video and reach for the top. Everyone, right? Okay. यहाँ पे रीच फॉर द टॉप में हम माउंटेनियरिंग को बता रहे हैं, ठीक है? माउंटेनियरिंग अपने आप में बहुत खतरनाक होता है. हम लोग सोचते हैं कि भाई साहब एक दो किला चढ़ लिया हमने, बहुत बड़ा ट्रैकिंग कर लिया, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रैकिंग होता है और माउंटेनियरिंग में जो ट्रैकिंग होता है, जो लोग प्रोफेशनल माउंटेनियर्स होते हैं, जो हिमालयस वगैरह में चढ़ते हैं, भाई साहब बहुत डेंजरस काम है, बहुत बहुत डेंजरस, ठीक है? और पहाड़ी ऐसे होती है भाई साहब, ठीक है? सो इट्स रियली डेंजरस. हम सोचते हैं कि ट्रैकिंग जो लोग आता है वो लोग माउंटेनियरिंग भी कर लेंगे, लेकिन माउंटेनियरिंग के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ऊपर हाइट्स में जाते हैं तब आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. आपकी बॉडी कोप अप कर पाएगी कि नहीं, ये नहीं मालूम. हिमालयस में अभी भी बहुत सारे लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं जिन्होंने हिमालयस में चढ़ने की कोशिश की, बट दे वर नॉट एबल टू, ठीक है? सो ऐसे ही पड़ी हुई है ठंडी में, बर्फ़ में, भाई साहब क्या करेंगे वहाँ पर, उतने हाइट पे कौन जाएगा उनको रेस्क्यू करने. सो हिमालय एक्सपेडिशन ऐसा होता है भाई साहब, कभी भी एवलांचे आ सकता है, मतलब बर्फ़ ऐसे पूरा आता है और समझ लो एक पूरा नवी मुंबई के साइज़ का बर्फ़ आपके ऊपर आ रहा है, क्या ही भागोगे और कहाँ भागोगे, ठीक है? दैट्स हाउ इट इज़, इट्स वेरी वेरी रिस्की. और मतलब बहुत कम लोग ही ऐसे बड़े बड़े एक्सपेडिशंस कर सकते हैं. सबसे पहले यू नो हिमालयस में चढ़े थे एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे. सो दीज वेर पीपल हु वेर फर्स्ट टू लैंड अप ऑन द हिमालयन पीक, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है? मज़ा आता है, थ्रिल आता है, एक डेंजर के साथ. जैसे आप बोलेंगे भाई साहब बाइक जोर से क्यों चलाते हैं, मज़ा आ रहा है भाई साहब, थ्रिलिंग, इट्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. तो ट्रैकिंग भाई साहब ऐसा ही होता है. अभी मैं देखिए, जब आप एकदम लिविंग ऑन द एज करते हैं ना, तो एक लोगों को अलग ही मजा आता है, ये लोगों को होता है, ठीक है? जैसे समझ लो भाई साहब ऐसे जगह पे चल रहे हैं कि थोड़ा सा इधर गए तो आउट, ठीक है? ऐसे जगह पे चलने में हम लोगों की दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आएगा. ये डिपेंड करता है, ये माइंड पे डिपेंड करता है, लोगों के माइंड पे. कुछ लोगों का वो थ्रिल फैक्टर है, कुछ लोगों का वो एक यू नो कि हमने अचीव किया कुछ. सो ऐसा है, ठीक है? दैट इज़ आउट, मतलब इट्स एब्सोल्युटली पर्सनल. अब किसी इंसान को अगर भाई साहब उतने ऊपर जाने में अगर जोखिम उठाना है उसको, और जोखिम में ही उसको मज़ा आ रहा है, सो दैट्स अ डिफरेंट लुकआउट, इट्स अ डिफरेंट मेंटालिटी ऑल टुगेदर, ठीक है? सो है, लोगों को रहता है, ठीक है? इट्स अप टू देम, दे फील दैट इट इज़ अ चैलेंज टू क्लाइंब अप अ माउंटेन एंड दे वुड डू एनीथिंग टू डू इट. आपने IIT का नाम सुना है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का और शायद वर्ल्ड का भी वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन है. इट इज़ एक्चुअली गिविंग यू एंट्रेंस टू IITs. मेरे टाइम पे IIT में 500 सीट्स थे और आज के टाइम पे 5,500 सीट्स हैं. मेरे टाइम पे 5 IITs हुआ करते थे, ठीक है? आज के टाइम पे 23 IITs हैं. तो मेरे टाइम पे एक बंदा था मेरे कॉलेज में, मतलब कभी मैंने उसको पढ़ते नहीं देखा, अजीब ही टाइप का था वैसा. वो स्विमिंग में वो ही वॉज बेसिकली अ स्टेट लेवल का चैम्पियन था, किसी से बात ही नहीं करता था, फुल एटीट्यूड में रहता था हर समय, ठीक है? और कभी उसके बैग में से मतलब कोई बुक्स नहीं निकलती थी, पता नहीं ऐसे ऐसे ही बैठे रहते थे, सब लोग आ रहे लेक्चर ले रहे ऐसे ही बैठे रहते थे, लेकिन भाई साहब हर समय 90 के ऊपर. खैर, उसने IIT क्रैक किया था और उसका इंडिया में रैंकिंग 42 आया था. समझिए, 500 सीट्स थी और उसमें उसका रैंकिंग 42 आया था. तो उसका नाम दिवेश भट्ट है. तो मैं ऐसे ही फेसबुक में सर्च कर रहा था एक दिन, तो मिला मेरे को. तो फेसबुक में सर्च कर रहा हूँ तो अभी वो US में माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग दे रहा है.
और उसके ऐसे ही सब पिक्चर्स है भाई साहब, ऐसे खड़े हुए माउंटेन पे वो चढ़ रहा है ऐसे। सो अभी आप बोलेंगे भाई साहब कहाँ IIT, कहाँ भाई साहब तुम IIT करके पैसा कमाओ भाई साहब, किसी कंपनी के CEO बनो, और वो कर क्या रहा है, इज बेसिकली ट्रेनिंग पीपल ऑन माउंटेनियरिंग। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ वॉट ही चोज एज अ करियर। सो ये होता है, लोगों को उसमें थ्रिल मिलता है। आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो करेंगे वो समझ पाएंगे, उनको भाई साहब इसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है, दे फील दैट थ्रिल। तो आपके लिए भाई साहब ये क्या भाई साहब पहाड़ में चढ़ रहे हो, कहाँ गिर जाओगे क्या हो जाएगा, लेकिन उनके लिए मज़ा आई, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस यू हैव द सेम मेंटालिटी, ठीक है। ओके, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। लोगों को चैलेंज आता है भाई साहब, लोगों के अंदर एक चैलेंज लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊपर पीक है, कैन आई क्लाइम देयर, ठीक है। तो अंदर ही अंदर भाई साहब उनके बॉयल होने लगता है, फिर अपने आप को ट्रेन करने लगते हैं वो, एंड इट वुड टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के लिए आपका 2-3 साल जाएगा भाई साहब। माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई खाने का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइफ में इतने सारे रिस्क है वहाँ पे चढ़ना, आफ्टर यू क्रॉस अ सर्टेन लेवल यू विल बी डीलिंग विद डेथ एवरी इंस्टेंट, यू विल बी डीलिंग विद डेथ विद एवरी इंस्टेंट, हर क्षण आपको मौत का सामना होगा, ठीक है, एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। सो माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है, वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। हमारे मोस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटीज में है, ठीक है, लड़का हुआ तो बहुत अच्छा, लड़की हुई तो अरे ठीक है चलो निभा लेंगे, ऐसा सोसाइटी है हमारा, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉट टू मैंशन मच अबाउट दिस, बट वी जनरली इन आर इंडियन सोसाइटी वी कंसिडर द बर्थ ऑफ अ सन टू बी ऑस्पिशियस। हाँ भाई साहब ये कुछ कमा के लाएगा, नो फैमिली में इनकम बढ़ेगा, हमारा वंश बढ़ेगा, बेटी क्या है ब्याह के चली जाएगी, ऐसा ऐसा मान्यता है हमारा, ठीक है। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब वेन शी वॉज अबाउट टू बी बॉर्न, संतोष अ ट्रैवलिंग होली मैन गेव गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वॉन्टेड अ सन, ठीक है। बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। तो इनकी ग्रैंड मदर जो थी तभी मतलब बोली कि लड़का ही हो, ऐसा ऋषि मुनि लोग आते हैं भाई साहब आशीर्वाद करके जाते हैं, लड़का ही होगा, ठीक है। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर बोले नहीं हमको लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, पहली बार ऐसा सरप्राइज, ठीक है। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क। संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons और सिस्टर। संतोष वॉज बॉर्न, हर नेम वॉज संतोष, ठीक है, क्लियर है। संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons और सिस्टर, ठीक है, और सिस्टर टू 5 brothers। तो वैसा 5 भाई थे और एक लड़की, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ठीक है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। संतोष मतलब संतुष्टि, आप समझते हैं राइट, कंटेंटमेंट, आप जो चीज आपके पास है उससे आप संतुष्ट हैं, दैट इज कॉल्ड संतोष, ठीक है, विच मीन्स कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। हरियाणा ज्यादा करके एक ऐसा स्टेट है जो आज की तारीख में भी सेक्स रेशियो में बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ठीक है। हरियाणा के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी मतलब फीमेल इन्फेटिसाइड हो रहा है, मतलब भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लड़की का अगर सेक्स पता चल गया माँ के पेट में ही तो उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और इसीलिए सबसे बुरी तरह से सेक्स रेशियो जो बिगड़ा हुआ है वो हरियाणा स्टेट का है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हरियाणा में ऐसे कुछ स्टेट्स, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ ब्याह, पूरे गांव में वैसा लड़की नहीं है, ठीक है। अगर कोई लड़की मिलती है तो उसके लिए लड़के वाले मुँह मांगा दहेज दे रहे हैं, तो इस तरफ से दहेज आ रहा है, लड़कों वालों से दहेज आ रहा है, बिकॉज दैट्स द कंडीशन, ठीक है। इस तरह से सेक्स रेशियो, तो ऑब्वियसली बहुत ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है हरियाणा वालों का, ठीक है। शी बिगैन लिविंग ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस था इनका भाई साहब, कि अगर मैंने एक लॉजिकल और सही पाथ चुना है तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दैट्स वॉट शी हैड इन माइंड। संतोष पेरेंट्स वेर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, अफ्लुएंट लैंड ओनर्स मतलब पैसे वाले थे, ठीक है, लैंड ओनर्स जमींदार लोग थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। तो इनके पास भाई साहब बेशुमार पैसा था, ठीक है, और ये बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे,
which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to do with the local village school. तो उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा था, इतना पैसा कि वो दिल्ली में भेज सके इसके एडुकेशन के लिए, लेकिन उसको एक लोकल स्कूल में ही वहाँ पे पढ़ाया गया. ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ठीक है, लड़की को पढ़ा के क्या होगा, इस तरीके का ट्रेडिशनल माइंडसेट था. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. 16 साल की उम्र में उस टाइम पे लड़कियों की शादी हो जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. उसको भी वैसा प्रेशर बढ़ा कि तुम्हारी भी वैसा अभी उम्र हो गई है शादी की. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. लास्ट थिंग ऑन हर माइंड मतलब ये उसने सोचा भी नहीं था, ऐसा हम बोलते हैं ना, मैंने तो ये सोचा भी नहीं है, ठीक है. तो हम बोलते हैं ना लास्ट थिंग, ये एक फ्रेज है बेसिकली, दिस इज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड, ठीक है, ये मेरे अभी सोच में आया ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है. इट इज एन इंग्लिश फ्रेज. द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई डोंट नॉट पे एनी इंपॉर्टेंस टू दिस. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो भाई साहब अगर मुझे proper education नहीं मिला तो मैं marry नहीं करूँगी. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो भाई साहब घर छोड़ दिया और एक Delhi में एक school में admission ले लिया, और जब पैसे भरने की बारी आई तो उसके पेरेंट्स ने बोला नहीं नहीं भरेंगे हम, तो क्यों गई, ठीक है. तो उसने बोला ठीक है मैं अपना कमा कर ही अपना फीस भर दूंगी. हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एडुकेशन. फिर उन्होंने एग्री किया, उनके पास पैसों की कमी तो नहीं थी, ठीक है. ओके. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एडुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. सो धीरे धीरे उसने पढ़ाई कंप्लीट की, हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया एंड देन शी वेंट टू जयपुर. तो अभी उसने अपना जिद चलाना चालू कर दिया कि अभी तो मुझे पैसा चाहिए मेरे पढ़ाई के लिए, तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है. सो अभी मान ही लिया, ठीक है. उन्होंने शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. अरावली हिल्स है भाई साहब, ठीक है, बहुत लंबे हिल्स हैं, ये हिमालयन माउंटेन्स का एक रेंज है, आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का ये एक पार्ट है अरावली हिल्स. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. तो ऐसे ही वैसे वो देखती रहती थी अपने रूम से कि ऐसे जा रहे पता नहीं गायब कहाँ हो गए, ठीक है. तो उसको भी वैसा रुचि हुई एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग विद देम. आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव. एंड अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब आप पढ़े ना, पॉजिटिव, ठीक है. तो उन्होंने बोला हाँ भाई साहब आ जाइए, ठीक है, पॉजिटिवली उन्होंने रिप्लाई किया अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. चलो भाई साहब तुम भी क्लाइंबिंग करो. देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिंड यंग गर्ल. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला माउंटेनियरिंग एक बहुत ही रिस्की चीज है, ठीक है, मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स. सो इसके लिए अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हमको नहीं मिलती है तो कुछ सालों पहले शायद यहाँ पे कोई गांव वाले थे जो हिमालयन माउंटेनियरिंग करने गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, जो भी है आई डोंट वांट टू टेक द नेम. कुछ सालों पहले ही हुआ था ये, सम 4 or 5 years back ही लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है. अगेन एज आई सेड माउंटेनियरिंग भाई साहब ईजी नहीं होता है. He lost his life not just because of a simple heart attack. आपको जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की लेवल्स बहुत कम हो जाती है और आपका बॉडी कोप अप नहीं कर पाता है एंड देन पीपल माइट सकम, ठीक है. तो माउंटेनियरिंग के लिए भाई साहब बहुत फिट होना बहुत ज़रूरी है. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो ये भाई साहब उसका कॉलेज सेमेस्टर के बाद वो घर वापस नहीं गई, सीधा यहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. उसने दिमाग बना लिया था कि करना ही है इसको, ठीक है. शी हैड नॉट इवन आस्क्ड हर पेरेंट्स, शी डायरेक्टली ज्वाइंड इट. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर. कुछ लोग होते हैं ना भाई साहब काम करके फिर सॉरी बोलते हैं, ठीक है. तो इन्होंने भी वैसा वही किया, मतलब चले गए एंड शी रेट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. तो इन्होंने भाई साहब उत्तरकाशी में एनरोल कर लिया था. देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर. धीरे धीरे भाई साहब देख रहे हो भाई साहब इस तरह के खड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है,
गिरे तो भाई साहब कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, ठीक है। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, ठीक है, फटाफट भाई साहब ये सीखने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। धीरे 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 आपके बॉडी को अगर कोल्ड और ऑल्टीट्यूड के कंडीशंस सहन होने लगते हैं, तब जाकर आप एक्चुअली में माउंटेनियरिंग को कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पाया उनके केस में, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोल्ड और ऑल्टीट्यूड को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग जाते हैं, हाँ चलो चलो ट्रैकिंग करेंगे, एंड देन समथिंग सीरियस हैपन्स, ठीक है, बिकॉज देयर बॉडी इज़ नॉट अडेप्टेड टू सूट दैट कोल्ड। आप सोचिए ना, मुंबई जैसे आराम शहर में आप रहते हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इससे बड़ा आराम प्रिय शहर और नहीं है, नहीं है। आप जाओ भाई साहब, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, नॉर्थ में चले जाओ, आपको हिमालयस में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश चले जाओ भाई साहब, बिहार चले जाओ आप, कैलकाटा तक भी चले जाओगे तो कड़ाके की ठंड है भाई साहब, ये पंखा वंखा नहीं चल रहा भाई साहब वहाँ पे, ठीक है। इट्स सो मच ऑफ कोल्ड, ठीक है, बट वी डू नॉट फेस क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज इन आउट मुंबई हेयर। इट्स और इसीलिए शायद यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ना ही ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। इट्स नॉट आपके वेदर एक्सट्रीमिटीज, सिर्फ आपको बारिश में ज़्यादा है यहाँ पे, अदरवाइज। तो इसीलिए हमारा बॉडी जो है तो फटाक से इन सब चीज़ों से कोप अप नहीं कर पाता, इसके लिए इसकी ट्रेनिंग ज़रूरत है। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, आयरन विल मतलब लोहे का विल क्या, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस, बहुत सहन शक्ति या सहनशीलता होनी चाहिए इस सब कामों के लिए। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और काफ़ी सारा मेंटल टफनेस भी होना चाहिए। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, बार बार ही अपने आप को प्रूव करती रही, जो भी एक्सपेडिशंस थे उनको कंप्लीट करती रही, जो भी ट्रेनिंग्स थे उनको भाई साहब कंप्लीट करती रही, एंड फाइनली शी बिकेम अ माउंटेनियर। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, कल्मिनेशन मतलब खत्म होना, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शायली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम, तो 4 साल में उसने भाई साहब अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की, ठीक है। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve this feat. सिर्फ 20 साल की उम्र में भाई साहब उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, she reached Mount Everest, ठीक है। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers, ठीक है। तो इसका सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि खुद बहुत टफ थी, और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ थे। क्लाइंबिंग स्किल इसने अक्वायर कर लिए थे क्योंकि इसने 4 साल तक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था, ठीक है, फिजिकल फिटनेस अक्वायर किया था, एंड काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेंथ था कि करना ही है भाई साहब इसको, ठीक है। दैट वॉज अ मेंटल इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, तो जो भी सीनियर ट्रेनर्स थे या जो भी सीनियर्स थे, दे वर वेरी इंप्रेस्ड बाई दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड दैट शी हैड, ठीक है। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, तो एक टीम वर्क भी था उसका, ऐसा नहीं कि बस आप खुद ही खुद करते रहेंगे, एक टीम वर्क में भी वो इन्वॉल्व थी। डिजायर टू वर्क विद अदर्स एंड फाउंड देम अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, तो उसके साथ भी जो लोग क्लाइंबिंग में थे या माउंटेनियरिंग में थे, दे ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हर, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल, ठीक है। तो साउथ कॉल मतलब एक यू नो आपके इसका ही एक पॉइंट है, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स वाइल यू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ले डाइंग, ऑलमोस्ट ले डाइंग मतलब दिस पर्सन वॉज ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, ठीक है। तो ज़्यादा करके ये होता है माउंटेनियरिंग, मतलब स्पेशली हिमालयस में माउंटेनियरिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। ऑक्सीजन लेकर आप जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो ऑक्सीजन भी आपके लिए काफ़ी नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल्स इतने ड्रास्टिकली गिर जाते हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप कैरी कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफ़ी नहीं होता। अभी आप समझिए इतना सारा कुछ पहन कर जा रहे होंगे, जैकेट है, शूज़ है, ये उसके ऊपर एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, प्लस आपके टेंट वगैरह भी है, तो आपका वेट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, और इट्स नॉट जस्ट कोल्ड, इट्स सीवियर कोल्ड, यू आर वियरिंग हैवी थिंग्स, ठीक है, बहुत हैवी थिंग्स आप ऑलरेडी पहन रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके बाद आपका बैग है, उसके बाद टेंट है, रात को आप रहेंगे तो टेंट के नीचे रहना पड़ेगा भाई साहब, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर बर्फ़ के ऊपर चलते रहना एक बहुत बड़ी बात है, और आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आप भाई साहब 10-15 स्टेप्स क्लाइंब कर लीजिए, आप हाँफेंगे, है ना, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, सो यू वुड नीड एनर्जी। वेयर वुड यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? ऑब्वियसली बाय योर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड,
चलिए फूड का इंतजाम अगर हो भी गया, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन तो तभी होगा ना जब आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले, जो नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका जो है तो ज़्यादा करके लोग कोलैप्स कर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल, देयर बॉडी एनर्जीज आर नॉट एबल टू कोप अप विद द इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आपका इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ओके. सो वन ऑफ द पर्सन शी वॉज नॉट एबल टू सेव, द अदर पर्सन शी सेव्ड बाई शेयरिंग हर ओन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसके साथ उसने शेयर कर लिया. विद इन 12 मंथ्स संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार उसने एवरेस्ट में भाई साहब क्लाइंब किया, ठीक है, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है, शी इज द ओनली वुमेन हु हैज स्केल्ड द एवरेस्ट और रादर हु हैज क्लाइंब द एवरेस्ट ट्वाइस and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. तो mountaineering में एक बहुत बड़ा गर्वपूर्ण इतिहास उन्होंने रचा, ठीक है. She has basically registered her name as the only woman to have climbed the Mount Everest twice, ठीक है. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, that is Padma Shri. Padma Shri basically क्या होता है, पद्मश्री इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब आपने अपने फील्ड में कोई बहुत ही रिमार्केबल यू नो काम किया रहेगा तो गवर्नमेंट ऐसे पद्मश्री देती है. बहुत सारे लोगों को मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री, धोनी इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री. सो जो लोगों ने भी बहुत एलीट लेवल पे काम किया है, ठीक है, अपने अपने फील्ड्स में, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, ठीक है. इन रिकग्निशन ऑफ दिस प्रेजिडेंट अवार्ड, प्रेजिडेंट इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं. इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशन्स टॉप ऑनर्स, दैट इज द पद्मश्री, ठीक है. सो दिस स्टोरी इन शॉर्ट इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या होता है, एकदम वैसे आप आसमान छू रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं ना, ठीक है. संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, ठीक है. एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन मतलब हम बोलते हैं ना कि नाउ यू आर बीन सिलेक्टेड इन IIT, सो लेट दैट सिंक इन. ये लेट दैट सिंक इन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, ठीक है, लेट दैट सिंक इन, ठीक है. अभी दोनों चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, फेलियर में भी और सक्सेस में भी, ठीक है, एहसास करना, ठीक है. आपने अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, अभी इसको एहसास करो, इसको एंजॉय करो. आप अगर फेल हुए हैं तो भाई साहब डिप्रेशन में आप जाएंगे. सो लेट दैट सिंक इन हम बोलते हैं, ठीक है. लेट दैट सिंक इन इज बेसिकली अ फ्रेज दैट इज यूज्ड, ठीक है. सो इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. एनॉर्मिटी मतलब इतना बृहद मोमेंट था मेरे लिए, एनॉर्मस बोलते हैं हम ना, बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए और मेरे को थोड़ा टाइम लगा इसको डाइजेस्ट करने में. हाँ वाकई में क्या मैंने दो बार किया है, हाँ वाकई में क्या मुझे पद्मश्री मिलने वाला है. सो दीज आर थिंग्स विच आई मीन इसको हम बोलेंगे ओवरवेलमिंग इमोशन है, ठीक है, ओवरवेलमिंग है इमोशन. शी वॉज ओवरवेल्ड विथ हर परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवरवेलमिंग इमोशन, ठीक है. फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. तो जब मैं वहाँ पर पहुँची, ठीक है, जब एक्चुअली मैं वहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, देन आई हैड मतलब जो तिरंगा था उसको मैंने लहराया, ठीक है. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, मतलब इतने दिनों से इतने हार्डशिप्स करके वहाँ टॉप में पहुँचना, इसको मतलब हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, मतलब एक अलग ही मूवमेंट था, एक अलग ही एहसास था उसके लिए, ठीक है. इट फेल्ट आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, ठीक है, एज एन इंडियन शी फेल्ट वेरी प्राउड. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट फॉर एज संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, ठीक है. अभी हिमालयस में इतने लोग जाते हैं चढ़ते हैं और वो टेरेन इतना भाई साहब आपका यू नो वहाँ पे कौन ही जा पाएगा, ठीक है. तो जब वो उतर रही थी तब उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली गार्बेज इकट्ठा किया, किसी का वैसा बैग पड़ा हुआ है, किसी के जूते पड़े हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज उन्होंने कलेक्ट करके नीचे लाया, ठीक है. सो फर्वेंट मतलब हैविंग सिंसियर फीलिंग, स्ट्रॉन्ग एंड एनवायरमेंटलिस्ट. अभी जो भाई साहब इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ रही हैं, ऑब्वियसली शी हैज़ टू बी एन एनवायरमेंटलिस्ट, शी हैज़ टू बी हैविंग वेरी क्लियर कंसेप्शंस अबाउट द एंटायर एनवायरमेंट,
ठीक है. सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड इन ऑर्डर टू कीप हिमालय क्लीन वाइल कमिंग डाउन शी एडेड टू इट बाई कलेक्टिंग अप्रॉक्सिमेटली 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस. ठीक है. सो इट इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन. अगर हमने ठान लिया है कुछ करने का तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे. जैसे उसके फैमिली का बैकग्राउंड एक ऑब्स्टिकल था. उसके फैमिली में उसको सिर्फ शादी ब्याह करके एक नॉर्मल लड़की का लाइफ जीना, यही उसके फैमिली ने भी सोचा था उसके बारे में. ठीक है. लेकिन वो घर छोड़कर गई, घर छोड़कर खुद जाकर स्कूल में एडमिशन लिया और घर वालों से पैसा भी नहीं मांगा. घर वाले ने उसको फिर पैसा दिया. ठीक है. एंड देन शी बेसिकली कंटिन्यू एंड फाइनली वन डे शी अंडरस्टूड हर पैशन ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स. सो एज फार एज टेकिंग ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इन 4 years शी हैड लर्न्ड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो मतलब काफ़ी डेडिकेशन से. और इस पूरे जर्नी में कोई उनका गॉडफादर नहीं रहा है ना, किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, कोई फैमिली ने इनको सपोर्ट नहीं किया है. ऑब्वियसली फैमिली तो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के थे, वो तो उसको बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजना चाहते थे. ऑल्दो दे वेर फ्रॉम अ यू नो गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड शी वॉज देयर ओनली डॉटर. ठीक है. स्टिल दे वेर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल द स्टेप्स दैट शी हैड टेकन. स्टिल शी मैनेज टू बेसिकली डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ. ठीक है. सो फैमिली सपोर्ट नहीं था. जरूरी नहीं कि हमेशा आपको फैमिली सपोर्ट मिले किसी चीज़ को अचीव करने के लिए. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन, इट्स अ स्टोरी ऑफ ट्रू विल. अगर आपने वैसा कुछ ठान लिया है करने का, सो नथिंग शुड स्टॉप यू. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी. ओके ओके ओके. एनी क्वेश्चन सर? एनी क्वेश्चन सर? नो क्वेश्चन सर? नो क्वेश्चन सर? कोई क्वेश्चन नहीं? एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब. एक साथ 500 किलो एक साथ कैसे लाया? वो अकेली नहीं गई थी ना भाई साहब, उसका टीम था ना पूरा. देर आर मेनी पीपल अलॉन्ग विथ हर हु हैड गॉन देयर. सो और जब आप उतरते हैं तब आपको कोई मतलब अब ऐसे नीचे आ जाएंगे ऐसे. ठीक है. यू विल नॉट हैव टू बेसिकली चढ़ने के टाइम पे आपको लेबर लगता है. ठीक है. नोबडी हैज डाइड वाइल डिसेंडिंग. ठीक है. एवरीबडी बेसिकली फेसेस अ चैलेंज वाइल क्लाइंबिंग. तो उस टाइम पे आप विद इन मतलब आप ग्रेविटी से ही नीचे आ रहे हैं ना भाई साहब. तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग. बट यस, अभी आपने भाई साहब एक फीट अचीव किया. द रीजन वाई इट्स कंसिडर्ड एज अ बिग थिंग इज बिकॉज आपने एक फीट अचीव किया है. हिमालयस पे चढ़े हैं, सब लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, आप भाई साहब नीचे उतरेंगे लेकिन आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, काफ़ी कचरा है. लेकिन उसने इस चीज़ों पे ध्यान दिया कि आगे चल के भी मेरे तरह बहुत सारे माउंटेनियर्स आएंगे, तो इस कचरे को मैं साफ करती हुई जाऊँ अगर जब तक आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कचरा साफ करने वाला है नहीं. ठीक है. सो माइट एज वेल क्लीन इट. सो दैट्स वॉट शी डिड. जस्ट एस और वो अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे. तो ऑब्वियसली एवरीबडी कैरीड दैट बैगेज एंड वेंट डाउन. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? पीपल आ? नो. बहुत बढ़िया.